और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक ए के मिश्रा स्टूडियो में आ चुके हैं। तो मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं आप यूपी की इस जद्दोजहद को, आपका विश्लेषण क्या है? नहीं देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग, अगर स्ट्रेटजिक वे में देखा जाए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है या इवेंट है पॉलिटिक्स के वर्ल्ड में। दो चीजों पे देखना चाहिए, देखिए एक होता है डाटा और दूसरा होता है डायनामिक्स। डाटा सबके पास होते हैं, कितने विधायक चाहिए, कितने विधायक हैं और कितने विधायक इधर से उधर क्रॉस वोटिंग करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सारा गेम इस चीज पे जाके होगा कि किन लोगों ने किधर क्रॉस वोटिंग की, बोला किसी और को, दिया किसी और को। अब आप देखिए धीरे धीरे करके न्यूज आपके पास आ रही है कि राजा भैया ने डिक्लेयर किया है, इवन जो भदोही से, ज्ञानपुर से जो विधायक है मिश्रा जी, उन्होंने भी डिक्लेयर किया मैं बीजेपी को दूंगा। बीजेपी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राज्यसभा में अगर इनका बहुमत मिल जाता है तो लोकसभा में जो बहुमत है, और राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण बहुत सारे ये अपने पॉलिटिकल डिसीजन को जो है अमली जामा नहीं पहना सकते थे बिल के कारण। तो अगर ये यहाँ पे जीत जाते हैं, उनका बहुमत हो जाता है, तो आगे के लिए इनके रास्ते साफ हो जाएंगे और 2019 के इलेक्शन के पहले बहुत सारे ये जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस को जो है 2019 का इलेक्शन जीतने के लिए ये इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब देखिए यहां पे जो सबसे खास चीज ये है, मैंने आपको बोला डाटा का जो रोल होता है वो 10-15% होता है। यूपी इलेक्शन में भी डाटा सबके पास था लेकिन रिजल्ट एकदम डिफरेंट थे। डायनामिक्स को यहां पे देखना चाहिए और फोकस इस चीज पे करना चाहिए कि कहां से क्रॉस वोटिंग होगी और दूसरे जो निर्दलीय विधायक है वो किसको वोट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि एक जो निर्दलीय विधायक जो अपनी वोटिंग करेगा वो कैसे डिसीजन लेता है। देखिए सरकार बीजेपी की यूपी में भी है और सेंटर में भी है, तो एक जो मनोवैज्ञानिक झुकाव ऑटोमेटिकली होता है, एक निर्दलीय विधायक जब करता है तो वो सोचता है कि भाई बीजेपी की सरकार दोनों जगह है, हो सकता है मुझे फ्यूचर में कुछ फायदा हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ज्ञानपुर के विधानसभा सीट के जो निर्दलीय विधायक है मिश्रा जी, उनका ये देखिए उन्होंने जो बीजेपी को सपोर्ट दिया है। आप आगे आगे देखते जाइए और ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे कि जो कि किस पार्टी की तरफ वो झुकते हैं और क्यों झुकते हैं ये समझने की बात है। नहीं तो ये तो ज्यादातर ये तो साफ है कि जो झुकेगा वो सत्ता पक्ष की ओर झुकेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बीजेपी के विधायकों को सफाया बसपा तोड़कर ले जाए, ऐसा हो सकता है कि? नहीं देखिए बीजेपी के साथ तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि बीजेपी के जो विधायक हैं वो क्यों जाएंगे। डायनामिक समझने की जरूरत ये है, वो अपने से इंफीरियर परफॉर्मिंग पार्टीज में क्यों जाएंगे, तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक यहाँ पे ये बनता है, जो डायनामिक्स देखने वाली बात है, बीएसपी की बहुत कम सीटें हैं यूपी में, सपा की भी बहुत कम सीटें हैं इन कंपैरिजन ऑफ बीजेपी। और तो देखिए ये एक बड़ा एक ह्यूमन साइकोलॉजी बड़ी कॉमन सी होती है कि जो जीतता रहता है, जो शक्तिशाली है, उसका साथ सबको सभी लोग उसी का साथ देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस वो होता है। तो क्रॉस वोटिंग में जो विधायक होते हैं या जो लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं उनके अगर उनका देखा जाए तो उनके जो अपने निजी हित होते हैं, हो सकता है उनका कोई समझौता किसी पार्टी से हो गया हो कि अगर आप हमें वोटिंग करेंगे तो हम आपको फ्यूचर में ये पोस्ट देंगे या अपनी पार्टी में जो है शामिल कर लेंगे। प्रलोभन, प्रलोभन। ये सारे ऐसे जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, साइकोसोमेटिक फैक्टर होते हैं कि वो कुछ ऐसे विधायक भी होते हैं जो डिक्लेयर भी नहीं करते हैं और वोट देने के बाद भी बोलेंगे कि भाई हमने तो अपनी पार्टी के हिसाब से वोट दिया, पार्टी ने जिसको वो, लेकिन वो जाकर के वोट किसी और को देते हैं, दूसरी पार्टी को देते हैं, यही क्रॉस वोटिंग है। तो सारा का सारा जो खेल होगा, जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि लेटेंट वे में यानी छुपे तरीके से जो क्रॉस वोटिंग होती है। और इसमें देखिए इस चीज में भी मैं ये बोलूंगा कि चूंकि बीजेपी मोस्ट पावरफुल है, इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, डेफिनेटली इन्होंने भी हर तरीके से कई लोगों से जो है संपर्क इन्होंने किया होगा और विधायक भी एक दूसरी पार्टियों से संपर्क में रहते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने जा रहा है, घंटे दो घंटे तीन घंटे के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो ये फिर से चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। यानी कि ये साफ मान लिया जाए कि मिश्रा जी ये समझाइए कि बीजेपी ऑलरेडी 8 सीटें लेकर बैठी है जिनकी 8 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट्स को जिताकर ले जाएगी। फाइट जो है वो 9वें कैंडिडेट को लेकर है, एक बीएसपी का है, एक समाजवादी पार्टी का है, सपा की ओर से जया बच्चन का जाना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन ये गुणा भाग जो करेगी वो सिर्फ बीजेपी ही कर पाएगी, सबसे सक्षम वही है। देखिए सपा की ओर से जो आपने बोला जया बच्चन जी का जो जाना है वो तो एक ऑनर है उनको, उनकी अपनी फैमिली की अपनी रेपुटेशन है, तो मुझे लगता है उनके लिए कंपटीशन नहीं होगा, सारी पार्टियां उनको सपोर्ट करेंगी कि भाई आप जो है राज्यसभा में पहुंचिए। एक जो लास्ट सीट आपने बचाई है, बताई हुई है, सारी रणनीति सारी जद्दोजहद उसी चीज के लिए है। और बीजेपी हर तरीके से देखिए कोशिशें तो सारी की सारी पार्टी करेंगी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, आप एक आदमी है, एक विधायक के दिमाग के अंदर क्या चलता है, आप इसको समझने की कोशिश करिए।
क्वेश्चन ये उठेगा कि जब आप कमजोर होते हैं तो आपके अपने लोग भी जो है साथ छोड़ देते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है समाजवादी पार्टी के पास। समाजवादी पार्टी में ऑलरेडी दो गुट जो है बने हुए हैं, एक आप देखिए अखिलेश यादव का है और उसके साथ एक शिवपाल यादव जी का है। बीएसपी में भी अगर पास्ट में देखेंगे तो बहुत से लोगों को जैसे नसीमुद्दीन अंसारी वगैरह को इन्होंने बहुत बुरी तरीके से निकाल दिया था। तो ये जितने ऐसे प्रभावशाली मंत्री मिनिस्टर किसी पार्टी के रहे हैं ये एक जयचंद की भूमिका निभाएंगे और ये बड़ा हो सकता है कि ये लोग खुद भी करें लेकिन दूसरों को ये इन्फ्लुएंस भी करेंगे। इनका जो टच होता है वो अपनी पार्टी के बहुत सारे विधायकों से होता है, तो एक कंसेंसस जो है कुल मिलाकर जो ऑफर होगा अगर बीजेपी ऑफर करती है तो ये तय मान लिया जाए कि किसी भी पार्टी का कोई भी विधायक उसे रिफ्यूज नहीं करेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा उनके ऑफर में। जो यूएसपी है, जो एक वेट होना चाहिए उनके ऑफर में कि वो बहुत जबरदस्त है इस चीज का। अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो पॉलिटिकल ऑफरिंग होगी एक सीट के लिए वो एक बहुत जबरदस्त पैकेज होगा किसी भी निर्दलीय। तो ये सब फालतू बातें रहेंगी कि हम पार्टी के हैं और उन्होंने थाली में छेद किया जिसमें खाया, ये सब तो बात वाली हो जाती कि जिसके पास ऑफर नहीं आएगा वो कहेगा साहब अंगूर खट्टे हैं। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, देश का राजनीतिक इतिहास इस मामले में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। आप हजार साल से देखिए तो हमेशा ही वो जो लॉयल्टी है ना, मैं आपको बताऊं पर्सनल जो अपने इंटरेस्ट होते हैं स्पेशली पॉलिटिक्स में कई बार वो बहुत हावी हो जाते हैं विधायकों के ऊपर या प्रतिनिधित्व जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर, और यहीं पे क्रॉस वोटिंग का फंडा आता है कि बोला किसी और को और चुपके से जाके किसी और को दे दिया। ये तो अपने अपने मोरल की बात है और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इन चीजों में जो है बड़ी कमजोर है। हर पार्टी में लगभग ऐसी चीजें हैं। आज की डेट में पार्टियों में जो विधायक है या जो प्रत्याशी है वो सबसे पहले अपना निजी फायदा देखते हैं, उसके बाद ये कि ये पूरी पार्टी का कॉन्सेप्ट लेके चलना या देश का कॉन्सेप्ट लेके चलना वो एक सेकेंडरी चीज हो जाती है। ठीक है, तो आइए गणित एक बार आपको फिर से बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर बीजेपी के लिए जीत की खबर ये है कि 8 सीटें जो है वो बीजेपी की उसके पाले में है, और ये जो जोड़ तोड़ गुणा भाग जो चल रहा है ये सारी जद्दोजहद उस 9वीं सीट के लिए है। लेकिन अनिल सिंह जैसे लोग विधानसभा इस चुनाव में, राज्यसभा के इस चुनाव में समीकरण बिगाड़ सकते हैं। एक मिश्रा, ये अनिल सिंह जैसे लोग जो हैं जो बीजेपी के लिए ताकत बन रहे हैं, एक विधायक बसपा का चला जाना उनके हाथ से ये खुद बीएसपी के लिए बुरी खबर है, ऐसी स्थिति में बीएसपी का स्टैंड करती है? नहीं देखिए मैंने आपको बताया पहले भी बताया, बात ये केवल देखिए दो तरीके के कैंडिडेट हैं जो डिक्लेयर कर देते हैं जिनको कि हम बोलते हैं कि भाई ये बागी हो गए हैं, तो अगर उनका आप पास खंगालेंगे तो कुछ न कुछ ऐसा निगेटिव उनके साथ हुआ रहता है कि उनको लगता है कि अब मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर या पॉलिटिकल करियर इस स्टेप के कारण इस पार्टी के साथ ज्यादा बेटर है। तो ये पहले से ही उनकी मीटिंग्स वगैरह आश्वासन लेना देना ये सब चीजें हुआ रहता है, और राज्यसभा की सीटें ऐसी होती है कि जहां पे एक मत का भी बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि लिमिटेशन होती है, जितने चुने हुए विधायक हैं केवल वही आपका एक दायरा है। जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें तो थोड़ा सा ये डैमेज अगर होता है तो वो मैनेज भी किया जा सकता है, इस तरफ से नहीं पड़ा वोट तो दूसरे एरिया से पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक एक सीट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने आपको जैसा पहले बोला कि ये अनिल सिंह जैसे या इस तरीके के जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं या जो बागी विधायक हो जाएंगे लेटेंट वे में छिपे तरीके से जो लोग करेंगे, यही लोग सारे गेम को जो है मैनेज करेंगे और अंतिम जो रिजल्ट आएगा वो इनकी एक्टिविटी और इनके डिसीजन के कारण आएगा। ठीक है, तो एके मिश्रा हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। एके मिश्रा, राजा भैया जो कह रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह कि वो सपा को तो वोट देंगे लेकिन वो बीएसपी को वोट नहीं देंगे, और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि बीजेपी आला कमान से बात हुई है राजा भैया की और रघुराज प्रताप सिंह ने ये कहा है कि वो सपा को वोट देंगे लेकिन दो वोट हैं बीएसपी को, एक वोट वो नहीं देंगे। देखिए बहुत पहले ही मैंने आपको बताया ये सारी चीजें, अभी हमने जस्ट पहले डिस्कस की थी। दो तीन चीजें होती है कि कोई भी विधायक या कोई भी आदमी बोल क्या रहा है, मतलब सोच क्या रहा है, बोल क्या रहा है और एक्शन में वो करेगा क्या या कर क्या रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यहाँ पे अब राजा भैया का देखिए, ये तो एक बट नेचुरल है कि बीएसपी के मायावती जब मुख्यमंत्री थे या सरकार थी तो कहीं पे भी आप सर्च कर लीजिए राजा भैया जी जेल में गए थे, बहुत सारे उनके ऊपर मुकदमे थे और उनका जो महल है वहां पे छापे पड़े थे। तो ये बट नेचुरल है कि कभी भी जो है राजा भैया बीएसपी के साथ नहीं जाएंगे जो इन्होंने बोला। यहां पे देखने वाली बात यह है कि अब देखिए समाजवादी पार्टी डेफिनेटली अभी भी अगर देखा जाए तो राजा भैया के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन चूंकि उनके पास पावर का स्टेक नहीं है और राजा भैया जैसे जो निर्दलीय विधायक होते हैं। चलिए लौटते हैं, एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही ब्रेकिंग, पहले हमारे दर्शकों को हम बता दें फिर हम चर्चा पे वापस लौटेंगे।
सूत्रों के हवाले से खबर है, ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है, और वो ये है कि पीयूष गोयल ने राजा भैया को मनाया है। तो ये एक वोट जो है, पीयूष गोयल, अमित शाह ने राजा भैया से फोन पर बात की है। तो लीजिए, बीजेपी के खाते में एक और वोट आता दिखाई दे रहा है। राजा भैया लखनऊ आवास पर इस वक्त मौजूद हैं और पीयूष गोयल ने उन्हें मनाया है कि आप बात कीजिए राजा भैया के साथ में, विरुद्ध सरोज भी मौजूद हैं। ये देखिए राजा भैया का ट्वीट देखिए उनके ट्विटर अकाउंट पर, ना मैं बदला हूं ना बदलूंगा, ना मेरी राजनीतिक विचारधारा बदली, अखिलेश जी के साथ हूं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं बसपा के साथ हूं। ये ट्वीट किया गया था और इस ट्वीट के बाद में 22 मार्च को देखिए, 22 मार्च को लगभग 10:30 रात में ये ट्वीट किया गया था, 10:39 पर कल रात ये ट्वीट किया गया था 22 मार्च को। यानी कि ये कहीं ना कहीं राजा भैया के दिमाग में चल रहा था कि मैं सपा के साथ हूं लेकिन बसपा के साथ नहीं हूं। दो मत हैं, दो वोट हैं राजा भैया के पास में। एक वोट के बारे में वो साफ कर चुके हैं कि एक वोट मेरा अखिलेश यादव के लिए है, लेकिन दूसरे वोट पर संशय बरकरार था। कहीं ना कहीं ये पहले से प्लानिंग चल रही थी। अब खबर आ रही सूत्रों के हवाले से कि पीयूष गोयल ने राजा भैया को मनाया है और फोन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उनसे बात की है। राजा भैया के बारे में हमने आपको खबर पहले भी बताई थी कि वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी में वोट डाल सकते हैं, सूत्र बता रहे हैं। तो एक मिश्रा साफ हो चुका है, एक और वोट बीजेपी को अनिल सिंह के बाद में, नितिन अग्रवाल के बाद अभी अक्षय, देखिए हम लोग अभी बात कर रहे थे, मैंने जस्ट पहले ये बोला था कि आदमी सोचता क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जवान पे क्या है और एक्शन क्या होगा। और पॉलिटिक्स तो इतना हाईली जो है डायनामिक्स, इसके इतने तेजी से चेंज होते हैं, हर मिनट हर दिन चेंज होते हैं। अभी दो दिन पहले का अगर राजा भैया का ये ट्वीट है और आज अगर वो बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इनका स्टेट ऑफ माइंड देखेंगे तो चेंज की एक झलक दिख रही है, कि मींस कहीं ना कहीं वो रेडी हैं चेंज करने के लिए। अगर थोड़ा सा मोटिवेशनल फैक्टर या प्रेशर या कुछ ऐसा पड़ा तो हो सकता है उनके दोनों के दोनों वोट चले जाए। इस ट्वीट ने जो है राजा भैया को उस कतार में लाके खड़ा किया होगा, जो मुझे लगता है कि उनसे बार्गेन के लिए लोग आगे आए। नहीं, ये देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जब किसी विधायक या किसी प्रत्याशी, देखिए कोई प्रत्याशी जो अपने डिसीजन लेता है किस बेसिस पे लेता है, सबसे पहले अगर वो पॉलिटिक्स में है तो वो अपना उज्जवल भविष्य देखेगा, ठीक है, और दूसरी चीज ये होती है कि फिर उसके बाद वो पार्टी का और ये सारी चीजें देखता है। तो आज की डेट में स्पेशली राजा भैया जैसे विधायक है और या ऐसे विधायक आप देखिए जो निर्दलीय हैं, बाहुबली की कैटेगरी में आते हैं, जो भी हो, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अपना सर्वाइवल, अपनी सेफ्टी कैसे किया जाए, कहां पे उनको ज्यादा लिक्रेटिव ऑफर मिल रहा है, कहां पे उनका पॉलिटिकल कैरियर उनको दिख रहा है कि मेरा ज्यादा उज्जवल भविष्य जो है यहां पे सुरक्षित है। तो 101% उनका डिसीजन बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लेता है, और इसी का एक ये एग्जाम्पल है जो राजा भैया का आप देख रहे हैं। अगर राजा भैया 100% समाजवादी पार्टी के साथ होते, जो हार्ड कोर जो मतलब लॉयल कैंडिडेट है, तो इसमें पार्टी बदलने वाली तो बात ही नहीं ना, आपने सिर्फ वोट दिया है, आप एक सदस्य को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए पार्टी बदलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पार्टी छोड़ करके, वैसे भी राजा भैया तो निर्दलीय है, आप पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी, देखिए ये अगर हम केवल आज के दिन के लिए देखें, अगर आप पार्टी के हार्ड कोर लॉयल कैंडिडेट है तो आप पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, पार्टी का जो डिसीजन होगा वो आपका डिसीजन होगा, लेकिन यहाँ पे आपका डिसीजन शिफ्ट कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी के भी लॉयल नहीं है, आप केवल अपनी जो सुविधाएं हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपना पॉलिटिकल कैरियर है, आप उसके लॉयल हैं। जाहिर सी बात है। चलिए अपडेट लेते हैं, राहुल श्रीवास्तव हमारे लखनऊ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, कहां तक पहुंची ये राज्यसभा चुनावी गणित इस वक्त लखनऊ में? तीन वोट जो है वो बीजेपी के खाते में, दो तो साफ आ चुके हैं नितिन अग्रवाल का, अनिल सिंह का, राजा भैया के बारे में भी सूत्रों के हवाले से खबर है। देखिए बता दें कि अब टक्कर हुई है, अब 10वीं सीट के लिए जो सुबह से लगातार जंग जारी थी, अब उसमें दिलचस्प मोड़ आया जब राजा भैया ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश जी के साथ हूं और इसका मतलब ये नहीं कि मैं बसपा के साथ हूं। अब कहानी एक मोड़ ले रही है कि अब हो सकता है कि बीजेपी जो दावा कर रही थी वो दावे में वो सफल हो जाए, जिस तरह से वो दावा लगातार साबित कर रही थी कि उसके नौ प्रत्याशी उतने उतारे राज्यसभा जाने के लिए, वो नौ पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके दावों में अब दम नजर
नजर आ रही है। जब बीच मतदान में राजा भैया का ट्वीट आया, और आपको बता दें कि राजा भैया अभी तक मतदान करने नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलेगा, बीजेपी का नवा प्रत्याशी, जिसके लिए बीजेपी दम भर रही है। और कल जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अचानक एक बैठक बुलाई थी, उसके बाद से पूरा जो एक सिनेरियो बदला है उसका नजारा आज सुबह से देखने को मिल रहा है, जब बीएसपी विधायक अनिल सिंह ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। और अब राजा भैया का जिस तरह से ट्वीट आता है, राजा भैया और उनके सहयोगी दो लोगों का वोट पड़ना है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब कांटे की टक्कर हो गई है कि आखिर राजा भैया किसके पक्ष में जाकर मतदान करेंगे। अब लड़ाई दिलचस्प हो गई है कि अब पता चलेगा कि किसके पक्ष में राजा भैया पहुंचकर मतदान करते नहीं, ये तो राहुल ये पक्ष में तो साफ कर चुके हैं ना वो, इसमें कोई संशय इसलिए नहीं बचता है क्योंकि आप उनका कल रात को 10:39 पर किया गया वो ट्वीट देखिए, उसमें वो लिख रहे हैं कि ना विचारधारा बदली ना मैं बदला हूं, मैं अखिलेश के तो साथ था लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं बसपा के भी साथ हूं। दो उनके पास टिकट हैं, एक टिकट सपा का जाता है तो दूसरा किसको जाएगा, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं था कल रात को भी। लेकिन अभी तो बात साफ हो चुकी है कि पीयूष गोयल ने मनाया है राजा भैया को, अमित शाह से उनकी फोन पर बात करवाई है, तो अब इसमें संशय तो मुझे नहीं लगता कि बचा है कुछ। देखिए जब तक मतदान ना कर दे तब तक संशय बरकरार है। जिस तरह से वो लगातार डिनर में पहुंचे थे अखिलेश यादव के साथ, उनकी फोटो भी वायरल हुई थी जिसमें अखिलेश यादव, जया बच्चन और उसके बगल में राजा भैया बैठे हैं। परसों की बात है जब डिनर में समाजवादी पार्टी के पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि मैं अखिलेश जी के साथ हूं, और जिसके बाद से ट्वीट आता है तो कहीं ना कहीं संशय बरकरार है जब तक राजा भैया उनके सहयोगी पहुंचकर मतदान ना कर दे राज्यसभा के लिए कि किसके पक्ष में उन्होंने अपना मत किया है। निश्चित तौर पर बीजेपी काफी पहले से ही कॉन्फिडेंस है कि उसके नवा प्रत्याशी भी उसका जाएगा, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बात हो चुकी, तो हो सकता है कि राजा भैया पहुंचे और बीजेपी के पक्ष में मतदान करें, लेकिन फिलहाल अभी संशय बरकरार। जब तक राजा भैया तिलक हॉल पहुंच के मतदान नहीं कर देते हैं, और सारी तस्वीर तभी साफ होगी जब राजा भैया उनके सहयोगी पहुंचेंगे मतदान करने, उसी के बाद पता चलेगा कि आखिर उन्हें। और राहुल एक बात और आप ध्यान दें इस पर, थोड़ा गुंजाइश इसीलिए इस बात की और बढ़ जाती है कि बीजेपी ऑलरेडी स्ट्रांग पोजीशन में, 8 सीटें वो अपनी जिताकर ले जा रहे हैं, यहां से निकालकर लेकर जा रहे हैं, 9वें के लिए जंग है, 3 मत जो है वो इंतजाम उसका कर चुके हैं नितिन अग्रवाल का, अनिल सिंह का, राजा भैया पर, इसलिए हम इसको बहुत नजदीकी मान सकते हैं क्योंकि एक विनिंग पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, विनिंग कैंडिडेट है बीजेपी इस वक्त, तो डील अच्छी हो सकती है ये, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। देखिए निश्चित तौर पर अभी सरकार को 4 साल बाकी है, अभी 1 साल पूरा हुआ है, और निश्चित तौर पर राजा भैया का जिस तरह से बीएसपी में बर्ताव हुआ था, कहीं ना कहीं उनकी मन में अभी भी वो ठेस है, और 4 साल अभी सरकार को बाकी है, तो कहीं ना कहीं एक डील की संभावना ही बताई जा रही है कि बीजेपी के साथ उनकी डील हो चुकी है, वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे, और जिस तरह से उनका ट्वीट आता है उस पर ये डील की और मुहर लग जाती है, तो कहीं ना कहीं सारी तस्वीर तब साफ होगी। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि जब राजा भैया उनके सहयोगी मतदान करने तिलक हॉल पहुंचेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ अपना मतदान करेंगे। जी तो ये एक और खबर जो इस वक्त आ चुकी है वो अब ये है कि अब बीजेपी अपने 2 विधायकों से वोट नहीं डलवाएगी, 3 वोट जो हैं वो बीजेपी इंतजाम कर चुकी है, अनिल अग्रवाल, अनिल सिंह और राजा भैया की भी खबर आ रही है। राजा भैया निर्दलीय उम्मीदवार कैंडिडेट हैं, अभी निर्दलीय विधायक हैं, वहां पर बीजेपी की पाले में वो आ सकते हैं, पीयूष गोयल ने उनको मनाया है, अमित शाह से उनकी बात करवाई है, ये अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर है, कुछ ही पलों में कन्फर्म भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया AK मिश्रा आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।